इस्तेमाल किया है, क्योंकि पटना से चलना फिर यहाँ पहुँचना और यहाँ पहुँच करके उसके बाद बहुत प्रक्रियाओं से बहुत गुजरते 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 इतने बड़े मेला को देखते हुए फिर यहाँ आना, तो सब मिला जुला करके अगर कहा जाए तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया रही है इनकी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रोशन आनंद सर को सीधे मंच पर। ये तो मेरा भी आमंत्रण, मैं भी कह दिया, मैं आमंत्रित करता हूँ सीधे मंच पर। आप लोग थोड़ा अपने मन के मंच पर पहले आमंत्रित करिए जोरदार तालियों से। सुनने वाला जब थोड़ा इंतजार में रहता है ना, तो सुनाने वाले को बड़ा मजा आता है। तो सीधे अब हम चलते हैं रोशन आनंद सर। यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारे गार्जियन समान, हमारी माताएं हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमें सुनने आए हैं। और विशेष धन्यवाद उमा जी का, जो शिक्षा के क्षेत्र में, जनसेवा के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बहुत बेहतर योगदान दे रहे हैं। उमा जी के विषय में हमें पहले मालूम नहीं था, लेकिन जब पिछले दिनों कुछ दिन पहले बिहार एसएससी सीजीएल 3 का रिजल्ट आया, तो प्रिय रंजन जो कि यहीं के हैं, प्रिय रंजन आइएगा, प्रिय रंजन ये उमा जी के छात्र रहे हैं और हमसे भी जुड़े रहे हैं। तो इन्होंने ही हमें उमा जी के विषय में बतलाया और इस कार्यक्रम के विषय में बतलाया। और इन्होंने हमें एक बात बतलाया था कि सर जीएस में जितना हम लोग पढ़ते हैं सब कुछ वहाँ प्रोजेक्ट के तौर पर आपको दिखा दिया जाता है, तो एक बार आप जरूर आइएगा। हम इन्हें आश्वासन दिए थे कि हम निश्चित तौर पर आएंगे। और सबसे बड़ी खुशी हमें तब हुई जब हमें यह पता चला कि यह आयोजन स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर होता है। मैं भी यहाँ आने को काफी उत्सुक था, उमा जी के विषय में जानकर, यहाँ के बच्चों के विषय में जानकर। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ विशेष तौर पर उमा जी के कार्यों से। और जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, आप सब लोग कुछ ना कुछ उनके विषय में जरूर जानते होंगे, लेकिन दो चार पांच बात हम भी बताना चाहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का एक विश्वास था कि हमारा देश भारत आज ना कल जरूर हमारे देश भारत में शिक्षा का प्रसार होगा, हमारे देश भारत से गरीबी मिट जाएंगी। ये सब विश्वास था स्वामी विवेकानंद जी को। और शिक्षा के प्रसार के कार्य को उमा जी आगे बढ़ा रहे हैं और इसी अवसर पर यह कार्यक्रम हुआ है। बहुत बेहतर कार्यक्रम है ये। और उमा जी जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं इनके साथ मिलकर काम करें, समाज कल्याण को लेकर, जनसेवा को लेकर काम कर रहे हैं। यहाँ के प्रोजेक्ट से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है यहाँ का। और एक बच्चा हमको स्पेस सब के विषय में बता रहा था, उनसे तो हम काफी अधिक प्रभावित हुए। और एक लड़की थी माही, यहाँ पर पूरा हमको केमिकल रिएक्शन सब समझा रही थी, काफी अच्छा लगा ये सब जानकर हमें। और सब आप ही के सानिध्य में हो रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। और बिना किसी लोभ के,
हमने जाना है प्रिय रंजन जी, जैसा कि हमें आपके विषय में बतलाया है, बिना किसी लोभ के, बिना किसी आशा के जो है आप लोगों के लिए कल्याण का काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यह कार्यक्रम विवेकानंद जी के जयंती पर है, तो उनके विषय में दो चार पांच बात हम आपको बतलाना चाहते हैं। देखिए, विवेकानंद जी का मानना था, और वे कहा करते थे कि अगर इस संसार में कोई भी काम है, उस काम को कोई भी एक व्यक्ति कर रहा है, तो इस संसार के हर व्यक्ति में वो ताकत है कि वो उस काम को कर सकता है। मतलब अगर बीपीएससी जैसा परीक्षा है, यूपीएससी जैसा परीक्षा है, इस परीक्षा को एक स्टूडेंट ही क्रैक करता है, तो सभी स्टूडेंट में यह क्षमता होता है कि वह इस परीक्षा को क्रैक कर सकता है। लेकिन लोग अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पाते हैं। तो हमारा ये नहीं कहना है, बल्कि विवेकानंद जी का ये कहना है कि अगर आप छात्र हैं, यहाँ पर अधिकतर हमें छात्र ही नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जितने भी छात्र आप हमको सुन रहे हैं, आपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाया है, विवेकानंद जी के अनुसार आप में उसे भेजने की क्षमता है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी क्षमता को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में सफल होते हैं। और सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे ख्याल से